भारतीय सनातन संस्कृति गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डेयरी किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना के अंतर्गत डेयरी किसान पंजाब से साहिवाल, राजस्थान से थारपारकर और गुजरात से गिर गाय खरीद सकेंगे। इस पर सरकार उन्हें विभिन्न मदों में सब्सिडी के रूप में 40,000 रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान करेगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह सब्सिडी गौपालकों को अधिकतम 2 स्वदेशी नस्ल की गायों की खरीद पर दी जाएगी। इसी प्रकार प्रदेश सरकार स्वदेशी नस्ल की गायों के डेयरी किसानों को मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अलग से प्रोत्साहन राशि भी देगी। यह धनराशि भी अधिकतम 2 स्वदेशी नस्ल की गायों पर दी जाएगी। इससे न मात्र किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। इस योजना से जहां गौपालन के प्रति किसानों का झुकाव बढ़ेगा, वहीं निराश्रित गौवंश की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी और उन्हें एक अच्छा आश्रय मिल सकेगा। सच तो यह है कि स्वदेशी गौ संरक्षण केवल यूपी के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र हित में भी है और यह पर्यावरणीय, पारिस्थितिक एवं सामाजिक आर्थिक न्याय के अनुरूप भी है। गाय भारत की सामाजिक, आर्थिक और विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। गौ शक्ति से संपन्न ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही सही अर्थों में एक समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण करेगी।